अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात। अक्सर क्या होता है, अब सबसे पहले तो मैं आपको वंस अगेन आप सब लोगों को वेलकम कहता हूँ जी, वंस अगेन इन अ वेरी ब्रांड न्यू एंड ब्यूटीफुल, नॉट बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेट ऑफ दिस शो, एपिसोड ऑफ योर फेवरेट प्रोग्राम विच इज बेसमेंट। सब अक्सर क्या होता है, मैं कहने लगा था कि जब प्रोड्यूसर साहब कह रहे होते हैं ना कि जी बिल्कुल अभी चैनल आईडी ऑन एयर है और अभी क्यू कहने वाले हैं, तो आपको छींक आ जाती है। और आप यकीन करें कि वो एक लम्हा होता है जब एक होस्ट का बहुत बड़ा इम्तिहान होता है कि उसने छींक छींक कैसे रोकनी है। और मैंने अपनी पूरी कोशिश की और मैं उसमें कामयाब हो गया, गो के अभी भी मुझे छींक आ रही है। लेकिन ये पता नहीं अच्छा साइन है बुरा साइन, आई थिंक छींक अच्छा साइन है। हाँ हाँ अच्छा साइन है, बिल्कुल अच्छा साइन है। तो खैर जी, मौसम भी बदल रहा है तो शायद प्रॉबेबली हम अपने आप को उस तरह से शायद वार्म नहीं रख रहे, हम सोच रहे हैं मौसम बिल्कुल चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। मौसम अभी भी काफी सर्द है। दिन के टाइम पे जो हजरात जो हैं वो एसी लगा के गाड़ियों में सफर करते हैं, रात के टाइम पे वो हीटर लगा के सफर कर रहे हैं। तो एक बड़ा खूबसूरत और अजीब गरीब किस्म का मौसम शुरू हो गया है। दिल के मौसम अच्छे होने चाहिए जी, बाहर का मौसम अच्छा हो ना हो, हमारे दिल के मौसम बहुत खुशगवार बहुत अच्छे होने चाहिए। जनाब वैसे तो हर एपिसोड बहुत अच्छी एपिसोड होती है, आज की एपिसोड भी बहुत अच्छी एपिसोड है। अक्सर कहा जाता है जी बेसमेंट प्रोग्राम में आप हमेशा उन लोगों को बुलाते हैं जिनका ताल्लुक पिंडी इस्लामाबाद से होता है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आप पिंडी इस्लामाबाद के सिंगर्स को प्रमोट कर रहे हैं? बिल्कुल हम कर तो रहे हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक शहर नहीं, पूरा पाकिस्तान हमारा शहर, हमारा मुल्क है रादर। और इसी तरह अगर कोई टैलेंट हमें पिशावर से नजर आता है, लाहौर से नजर आता है, कराची से नजर आता है, तो हमारी पूरी कोशिश होती है, और भी जितने छोटे बड़े देहात हैं शहर हैं, हमारी कोशिश होती है जी सारा टैलेंट, सारा का सारा पाकिस्तान का अच्छा अच्छा टैलेंट हम इकट्ठा करें यहाँ पे और आपके सामने उनकी परफॉर्मेंसेज जो है एक एक करके सामने लेके आए। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक बहुत जबरदस्त टैलेंटेड सिंगर भी हैं, बहुत अच्छा उनका बैंड भी है, सबसे अच्छी बात यह कि स्टूडियो भी है उनका और वो लाहौर से उनका ताल्लुक है जी। आपको पता है लाहौर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी मार्केट है म्यूजिक के हवाले से, म्यूजिक प्रोडक्शन के बादशाह और किंग वहां पे बैठे हुए हैं जी, सारे के सारे जबरदस्त, और कंपटीशन बड़ा टफ है। उस टफ कंपटीशन में ये कहां तक सरवाइव कर रहे हैं और किस तरह से अपनी माशाल्लाह आवाज को और अपने स्टूडियो को लेके चल रहे हैं वो भी इनसे पूछेंगे। इनका तारुफ कराते चले जी आपसे, बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत जिसको कहते हैं ना खुश मिजाज हैं, बड़ा स्माइलिंग सा चेहरा है इनका, क्यूट से हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी द वेरी वेरी चार्मिंग वेरी सुरीले शहबाज साहब। नौमान भाई कैसे हैं आप? ठीक सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इतनी तारीफें की हैं तो मजा आ गया वैसे। थैंक यू। मजा तारीफ करने का बड़ा मजा, तारीफ करवाने का बड़ा मजा आता है। एग्जैक्टली। और इसी तरह तारीफ करने का भी जर्फ जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। दूसरा एक इंसानी फितरत भी है ना कि तारीफ हो रही हो तो अच्छा लगता है ना। अच्छा आपकी आपकी उन चंद लोगों में शुमार होती है आवाज बोलने में, अभी तो जब गाने में सुनेंगे तो माशाल्लाह आई एम श्योर बहुत अच्छा, कि आपको जब सुना जाता है बोलने में तो हम सोचते हैं कि यार आपको इस सीट पे होना चाहिए। माशाल्लाह बड़ी अच्छी। मैं रेडियो शोज भी करता रहा हूँ। ओह माय गॉड सर जी कैमरे बंद कर सर, ये मेरा क्यों इम्तिहान लिया जाता है? लेकिन एक्चुअली ये है कि मेरा बड़ा क्लैश है आवाज में, जब मैं गाना गाता हूँ तो मेरी आवाज बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, जब मैं बोलता हूँ तो लोग समझते हैं पता नहीं कोई बाबा बोल रहा है, और खासतौर पर जब सुबह के टाइम मुझे कोई फोन करे तो वो एक हमेशा मुझे कमेंट मिलता है कि व्हाट अ बेस, व्हाट अ बेस, वाह वाह जी वाह। वो एक एक तो बेस आजकल चल रही है ना वूफरों वाली, और एक एक आवाज की बेस, ये बड़ी किसी किसी के नसीब में होती है। आई ऑलवेज ट्राई कि मैं कम इसको कम करूं, लेकिन होती नहीं है वो कम। बहुत अच्छे, नहीं एज लॉन्ग एज इट्स नेचुरल और आपको इसकी एफर्ट नहीं करनी पड़ रही तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। शहबाज भाई जिस तरह हमारे सामने मौजूद है, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, स्टूडियो भी है इनका अपना माशाल्लाह, तो जाहिर है सिंगर्स म्यूजिशियंस के बारे कुछ भी नहीं होता, इसी तरह स्टूडियो खाली कमरा पड़ा रहेगा तो किसके काम का है जी, मतलब जब तक उसमें कोई म्यूजिशियन आके कोई सेशन प्ले ना करें, हर चीज तो लूप पे नहीं बनती है ना। और वैसे भी आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि जितने भी मोस्टली सिंगर्स हैं उनका अपना एक स्टूडियो है और उसमें काम करते हैं, शायद उसकी वजह यह भी है मैं समझता हूँ कि एक सिंगर जब एक गाना कंपोज करता है या बनाता है तो मेरा ख्याल है कि जो फील वो उसको देना चाहता है उस गाने को, जो म्यूजिक की, वो अक्सर वो समझा नहीं पाता मुख्तलिफ डायरेक्टर्स को। बहुत अच्छा। तो मैंने जो अपना स्टूडियो का स्टार्ट लिया था वो यही सोच करके लिया था कि मैं अक्सर नहीं समझा पाता कि मैं क्या चाह रहा हूँ उस म्यूजिक के अंदर, तो वो फिर मैं खुद से जब करता हूँ तो मुझे काफी कंफर्टेबल मैं फील करता हूँ। तो शायद मेरा ख्याल है कि हर सिंगर का स्टूडियो इसी वजह से है, अब इस दौर में तो सबके पास है, जितने बड़े सिंगर्स हैं उनका भी अपना सेटअप है, छोटे सिंगर्स जो हैं
उनका भी अपना सेटअप है. और कुछ ऐसे मैंने देखे हैं लोग पाकिस्तान के अंदर, जैसे टैलेंट की आप बात कर रहे थे, कि छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने घर में होम स्टूडियोज बनाए हुए हैं और बहुत वो अच्छी इतना बात. अच्छा म्यूजिक अरेंज कर रहे हैं और यकीन करिए यहाँ प्रोफेशनली. पे हमारे प्रोग्राम में आए हैं और ऐसे बिल्कुल, ऐसे जबरदस्त टैलेंटेड बच्चे. बहुत ज्यादा टैलेंट है और K2 चैनल काफी प्रमोट करता है टैलेंट को और हम लोग देखते रहते हैं, तो इट्स वेरी गुड, इट्स क्या बात है वेरी जी. गुड. तो जिस तरह मैं जनाब कह रहा था कि शहबाज भाई जितने मर्जी अच्छे सिंगर हो जाएं, हम जितने मर्जी अच्छे सिंगर हो जाएं, जब तक हमारे पास कोई म्यूजिशियन अच्छे ना हो बैठे हुए, तो हमारी आवाज किस काम की. बिल्कुल तो हमारे पास आज के इस एपिसोड में एक बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन है और दो चीजें उन्होंने बड़ी अच्छी कैरी की हुई है. एक तो उनके पास गिटार बड़ा अच्छा है, दूसरा स्नीकर्स बड़े अच्छे पहने हुए हैं. तो मेरे साथ मौजूद हैं जी बहुत टैलेंटेड जबरदस्त गिटारिस्ट जिनका नाम है जुहेब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जुहेब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए कैसे हैं? कैसे फर्स्ट हैं? क्लास. एक तो आपका नाम जो है वो इतना अच्छा है क्योंकि आपके आपका नाम मुझे रिमाइंड करवाता है एक बहुत पाकिस्तान के बड़े लेजेंडरी जुहेब हसन. सिंगर जुहेब हसन. बिल्कुल तो क्या बात है, मतलब वो अमेजिंग आर्टिस्ट. और जुहेब बड़ा, वैसे जितना खूबसूरत नाम है उतना ही अनकॉमन है, ये हाँ, बहुत कम सुनने में आता कॉमन नहीं है बिल्कुल, है ना. काफी कम लोगों का कम नाम है लोग. जो जुहेब. अच्छा जुहेब, वैसे एक दौर था कि जब सारी लाइमलाइट जो है ना उस सिंगर ले जाता था. सिंगर बन के आ रहा है, सवर के आ रहा है, यूं कोट पहना हुआ है, स्काफ पहना हुआ है, हेयर स्टाइल. लेकिन अब हमारे जो म्यूजिशियन भाई हैं उन्होंने कहा है कि अच्छा अगर तुम इतना अच्छा बन सवर सकते हो तो हम तुमसे कोई कम नहीं है. जिस तरह बिल्कुल आप इसकी एक जीती जागती मिसाल हमें नजर आ रहे हैं कि माशाल्लाह यू आर वेल ग्रूम्ड. तो इस तरफ जो ये रुझान निकला है ये किस तरह से निकला, उसकी वजह क्या है? बेसिकली मैं थोड़ा सा अपना बताना चाहूंगा कि मैंने जो म्यूजिक है वो अपनी फैमिली से इनहेरिट किया है. मेरे फादर हैं, सितार प्ले करते हैं, वाह. तो उनसे सारा मतलब छोटी एज से हम लोगों ने स्टार्ट किया. और मतलब ये बेसिक लेसन वगैरह घर में अक्सर वो करवाते होते थे, मैं और मेरा भाई. अच्छा, तो देन फिर हमें वहाँ से इंटरेस्ट पैदा हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने वहां से इंटरेस्ट पैदा होते हैं. इंस्ट्रूमेंटल्स भी और वोकल्स भी दोनों चीज़ें सीखी. अच्छा, हाँ, वेरी वेरी तो नाइस, ये शहबाज भाई के साथ अक्सर इकट्ठे होते हैं, तो इनके कभी स्टूडियो में कभी ये मेरी तरफ आ जाते हैं, तो हम लोग बहुत सारी नई 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 चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते बाकी हैं. हमने जितना भी म्यूजिक सीखा है वो अपने शौक से सीखा है. ठीक है. अब पता नहीं, अनफॉर्चुनेटली कहूंगा कि हमारी फैमिली में तो कोई इस तरह से उस्ताद नहीं था सही जो हमें प्रॉपरली गाइड करता, या लेकिन बल्कि हमेशा मना ही किया गया कि पढ़ाई की तरफ ज्यादा तो उतर ना कहीं. हाँ, ये काम ना कुछ करो. बन जाए पर ऐ ना बनी. लेकिन वो एक शौक था और वो शौक किस तरह से लेता गया. मेरा बेसिकली ताल्लुक जो है झेलम शहर से है. अच्छा, माशाल्लाह. तो इट्स अ स्मॉल टाउन, तो वहां पर जो है बहुत दिनों में, चंद दिनों में ही बंदा मशहूर हो जाता है अगर कोई इवेंट्स वगैरह करने लग. चले झेलम, चले फिर सारे मिलके. हाँ, श्योर, वहां पर जल्दी मशहूर हो जाएंगे. बल्कि हमने भी यहाँ से उतर ही जाना. अच्छा, तो वो एक लोगों की एनकरेजमेंट थी शायद. और जिस तरह जुहेब है, इसके फादर भी बड़े अच्छे म्यूजिशियन भी हैं और उसके साथ प्रोफेसर भी हैं, तो वो एक इनकरेजमेंट जो है उसने हम दोनों को ही जो है वो म्यूजिक की तरफ जो है काफी ज्यादा. और ये आई थिंक किसी भी सिंफ का आर्टिस्ट, चाहे वो सिंगर है, मॉडल है, एक्टर है, म्यूजिशियन है, एज लॉन्ग एज उसको अप्रिसिएशन मिल रही है, उसके काम का मुआवजा मिले ना मिले, हम तो ऐसे कुछ सेंसिटिव लोग होते हैं सर. अप्रिसिएशन, एज लॉन्ग एज द अप्रिसिएशन इज देयर, तो वो इट कीप्स यू गोइंग ऑन. और आप बिलीव करेंगे ये वो काम है जो हर बंदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, सीख के भी नहीं कर सकता. ये वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है. मैं ये जरूर कहना चाहूंगा सब सिंगर्स को, जितने भी हैं जो इस फील्ड में अभी आना चाह रहे हैं या स्टार्ट किया जिन्होंने, कि वो थोड़ा बहुत इसको सीखें जरूर, सीखें जरूर, ये प्रॉपरली इसको समझें, सीखें. अगर आपके अंदर गॉड गिफ्टेड टैलेंट है तो उसको थोड़ा सा पॉलिश जरूर करें. अच्छा, कुछ चीज ऐसी होती है जो बंदा सीख के भी नहीं सीख सकता. हाँ, जिस तरह मैं कितने अरसे से प्रोग्राम करूं, मुझे ये नहीं पता कि यार शुरू में एक नंबर भी अनाउंस करना होता है ताकि आप सारे हमें कॉल्स करें और अपने दिल की जो भड़ास है, भड़ास ना निकालिएगा, हमसे गपशप लगाइएगा बड़े अच्छे अंदाज से. आज हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे गेस्ट मौजूद हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, इनके साथ गपशप का बहुत मजा आएगा. आप हमें कॉल कर सकते हैं जी, हमारा नंबर सबके मोबाइल फोन्स में फीडेड है. अगर नहीं है तो मैं आपको दोबारा बताया चलूं कि हमारा नंबर है जी 0514102357. आई रिपीट, 0514102357. पाकिस्तान से अगर आप बाहर से कॉल कर रहे हैं तो उसमें 9251410 2357 आप में ला लीजिए और शामिल हो जाइए जी इस प्रोग्राम में. अच्छा, सबसे मजे की बात शहबाज भाई, कॉलर्स ना सिर्फ प्रोग्राम को अप्रिशिएट करते हैं लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात की लगती है कि बेसमेंट के कॉलर्स की एक स्पेशलिटी है कि हर दूसरी कॉल के ऊपर जो भी साहब होते हैं या साहिबा होती हैं वो बहुत अच्छा गाते हैं. अच्छा, बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं. और तो हमें भी बहुत मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा आज बहुत मजा आएगा. चार चांद नहीं बल्कि कितने, तीन चांद, चार दर्जन चांद लग जाएंगे.
तो जबरदस्ती वो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और गपशप तो चलती ही रहेगी. शहबाज साहब, हम कोशिश ये करेंगे कि आपके एक सॉन्ग से आगाज लिया जाए प्रोग्राम का, ताकि उसके बाद जब फिर हम वापस आए तो फिर गपशप भी लगे, कॉल्स भी लें. कोई पुराना सा सॉन्ग सुना दो स्टार्ट. मैं कहता हूँ जी बस ऐसा कुछ सुना दें कि मजा ही आ जाए. एक किशोर कुमार का गाना था प्यार दीवाना होता है, अभी हम गाड़ी में सुन रहे थे आते हुए. अच्छा, तो हमने सोचा चलें इसको कवर करेंगे. ठीक है. प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है. प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है. क्षमा कहे परवा जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है. ओ प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है. क्या बात, मैंने कहा एक चीज ऐड करते हैं इसमें. बहुत खूब. नेक्स्ट स्टैंजा भी गाना चाहिए था नुमान. बहुत अच्छे, एक्सीलेंट. किशोर साहब की एक बड़ी अच्छी, वैसे तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स में कम से कम इंडियन कंटेंट चले. अच्छा. कभी एक आध दफा चल जाता है तो हम कहते हैं यार चले चल गया. वो इसलिए भी चल जाता है कभी कभी, हम ये गुस्साखी बिल्कुल कभी कभी करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हम बताना चाहते हैं कि यार एक तो एक एक तासुर लिया जाता है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में सिर्फ क्लासिकल सिंगर्स हैं, हम प्लेबैक नहीं कर सकते, विच इज रॉन्ग. हमारे अच्छी अच्छी आवाजें हैं एक्चुअली. क्लासिकल सिंगर्स को और जो प्योर रॉक सिंगर्स हैं यहाँ के, उनको प्रमोशन ज्यादा मिली है इंडिया में अभी तक, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव द प्लेबैक सिंगर्स. बिल्कुल. तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये रीजन है कि यहाँ के प्लेबैक सिंगर्स उठाए नहीं जाते, नहीं तो प्लेबैक सिंगर्स बहुत बहुत है पाकिस्तान में. जबरदस्त, जिस तरह आमिर अली और बहुत सारे बेशुमार नाम हैं जिनको आप सुनते हैं. तहसीन जावेद साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. आई थिंक जितना खूबसूरत टोन और जितनी खूबसूरत सॉफ्ट मेलोडियस आवाज उनकी है प्लेबैक सिंगिंग में, कमाल. एंड फिर वारिस बेग ने एक बड़ा अच्छा टाइम देखा, बहुत अच्छा बड़ा दौर देखा उन्होंने जब तक फिल्म इंडस्ट्री थी. जब हम पनपना शुरू हुए तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री खत्म होगी. ये एक अजीब सा, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सिंगर्स के लिए कि यहाँ पे हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो नहीं है, और उसके बड़े बहुत ज्यादा रीजंस हैं. मतलब हम लोग लाहौर में देखते हैं कि वो स्टूडियोज जो कभी बहुत ही आबाद होते थे आज वो उतनी वीरान है. तो मेरा ख्याल है कि फिल्म